इसके बोर्ड्स के पेपर आ गए हैं। तो गाइस अब मैं करने लगी हूँ ब्रेकफास्ट, आज है ऑमलेट चपाती चाय। तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? वेलकम टू टुडेज़ व्लॉग। तो यार आज मैं उठी थी 8 बजे और उसके बाद नहा धो लिया मैंने, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया। तो अभी देखो लैपटॉप के आगे बैठी हूँ, खोलने लगी हूँ लैपटॉप, क्योंकि मेरी है प्रेजेंटेशन, तो मेरे को डर लग रहा है। तो मैं पढ़ती हूँ उसके बाद मिलती हूँ। दीदी चाय पी ली ने, मसा उठी ने, देखो ख़त्म कर गई है सब कुछ, ना डॉली टॉयज भी रखी हैं इसने। मुझे डर लग रहा है, ऑनलाइन में क्या होता है नकल मार के। नहीं यार ऐसे थोड़े ना होता है, रिवार्ड दो। पीछे बैठ जाऊंगी दीदी चुड़ैल लेंगे, बैठ जाऊंगी। नहीं है का तेन उठे तेन पेन की फेंटियां नाल दे नाल। मोटरसाइकिल स्टार्ट कर क्यों गई मोटरसाइकिल स्टार्ट कर दारी गाइस यार तो स्टार्ट होने वाली है मेरी प्रेजेंटेशन आधे घंटे में, तो मैंने पढ़ तो थोड़ा बहुत लिया है, अब देखते हैं क्या बनता है। देखो मजे से बैठी है स्किन ट्रीटमेंट करके। मेरे को गाइस इसके बोर्ड्स के पेपर आ गए हैं। यार गाइस क्या बोलूँ यार, प्रेजेंटेशन नहीं हो पाई। जो मेरे एक्सटर्नल हैं मतलब एक्सपर्ट हैं वो अवेलेबल नहीं सी। आज मंडे नू होएगी प्रेजेंटेशन एंड ऑफलाइन प्रेजेंटेशन है, हुण मैनू जाके देनी है यूनिवर्सिटी। मेरे जान का टाइम आ गया कर तू, मैं 27 नू हुण करूँ निकल रही हूँ यूनिवर्सिटी वास्ते। यार गाइज हुण की करा, हुण बैठी थी लंच करन, इस वक्त गांधीनगर जाने यकीन नहीं हो रहा मेरे कॉलेज जाने का टाइम आ गया। यार मैं खा रही हूँ लंच गोभी रायता। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं मार्केट गांधीनगर, मैं और अर्शी, थोड़ा हमें सामान लेना है और मुझे यूनिवर्सिटी से वापस जाना है, तो थोड़ा वहाँ का भी सामान लेना है। बहुत अच्छा मौसम हुआ आज। अच्छा बारिश वाला, मुझे ऐसा मौसम बहुत अच्छा लगता है जिसमें ना धूप होती है और ना बारिश होती है, ऐसा मौसम। गाइज अभी हम आया आई कंसेप्ट। गाइज अर्शी मेरे को लेने थे ईयरफोन मेरे पास थे, बट मतलब अर्शी ने जब फोन लिया था मैंने उसको दे दिया। ले लिया है अभी, गिफ्ट दिया गाइज मैंने, उसने गिफ्ट दिया मुझे। गाइज अभी टेलर के पास आए थे, सूट थोड़ा ठीक कराने के लिए दिया हुआ था, तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं, मोनिका जा रहे हैं कुछ सामान लेने। गाइज अभी हम आए हैं मोनिका, अर्शी देख रही है कौन सी टॉफी खरीदनी है। बारिश थोड़ी 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 थोड़ी, एक दो चीज़ें घर पर ही भूल गई। वेदर इज ऑसम, वेदर इज बम्ब, वेदर है आज। बारिश लगी है गाइस बहुत ज़्यादा। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं घर, बड़ी ज़्यादा बारिश लगी थी यार, जल्दी जल्दी आए घर। तो अपॉइंटमेंट है अभी, मेरे को तो 6:30 की मिली है डॉक्टर के पास, वो स्किन वाले डॉक्टर को दिखाना, माँ को दूसरे डॉक्टर के पास दिखाना, तो फिर शाम को जाएंगे। गाइस अर्शी को मैंने शेफ बनाया है लोकल शेफ, ये देखो सारा इकट्ठे करके भाग रही है, ये शेना मुर्गी ले जा रही है और भागने लगी है घर से। कौन खाएगा लड्डू? ये अर्शी ने देखो थोड़ा सा चक मारा हुआ है लोग आधा उठाते हैं, लोग आधा उठाते हैं, मारे घर नहीं चाहते। गाइस मैं पी रही हूँ चाय मट्ठी, गेस्ट आए हुए हैं, मम्मी पापा उधर बैठे हैं, पता नहीं क्या हो गया अचानक से इतनी नींद आ रही है ना। अभी आंटी आए हुए थे हमारे घर, उनको छोड़ने जा रहे हैं। सो गाइस अभी हम आंटी को छोड़ के आए हैं मैं और पापा, तो अभी मम्मा रेडी हो गई होंगी। मौसम का भी कुछ समझ नहीं आ रहा, कदे बारिश हो रही है कदे रुक रही है कदे बारिश हो रही है, चलते हैं फिर। क्या खा रही हो गाइस? मैं अंदर आई, ये खा रही है कुछ, बताना। चिकन? चिकन कहाँ से लाई है? मेरे लिए है? तुम तो सुंदर बन गई हो नीली परी। सो गाइज हमें एक पार्सल रिसीव हुआ था ओजोन आयुर्वेदिक से, जैसे कि आपको पहले भी पता है हमने इनके 2 प्रोडक्ट्स रिव्यू किए थे, और आज जो हम प्रोडक्ट का रिव्यू करने जा रहे हैं वो एक आई ड्रॉप। तो गाइज इस बॉक्स के अंदर था पहले तो थैंक यू मैसेज कार्ड, 2 का पैक है, और ये ड्रॉप्स हमने सबने इस्तेमाल करके देखे। सो गाइज ये हैं इट इज़ आई ड्रॉप्स, जो कि पूरे के पूरे 11 नेचुरल हर्बल इंग्रेडिएंट से बने हैं। इसके बैक साइड पे पूरे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट है जो कि आप चेक कर सकते हो।
इसमें कुछ भी आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट यूज नहीं हुआ है, सारे के सारे नेचुरल हर्ब से डिराइव्ड है, जैसे कि फिटकरी, गुलाब जल, पुदीना। ये आप डेली यूज कर सकते हो 1 or 2 drops बिफोर बेड टाइम। एंड अगर आपकी वाटरी आइज आपको रिलीफ देना, अपनी आइज को थोड़ा कोल्ड रखना है, तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। विजन को मेंटेन करके रखता है और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से जो हमारी आइज थोड़ी सी पोल्यूटेड रहती हैं उसकी डस्ट की वजह से, पार्टिकल्स की वजह से, तो ये उसके लिए भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। कि ऑनलाइन ज़माने में जो लोग घंटों घंटों अपनी स्क्रीन पे बैठे रहते हैं बिना किसी ब्रेक के, उनके लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। गाइस मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि ये ड्रॉप्स इजिली अवेलेबल हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट और ओजोन की खुद की वेबसाइट पे भी एट वेरी अफोर्डेबल प्राइस एट जस्ट 67 rupees। इन ड्रॉप्स का हमने खुद पर्सनली भी रिव्यू किया है तभी आपको रिकमेंड कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप इनको एक बार ज़रूर ट्राई करें। जो लिंक है परचेज करने का वो हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, सो प्लीज़ गो एंड चेक। सो गाइज अभी मैं, मम्मा और पापा जा रहे हैं, दीदी घर पे है, काम करेगी तो डॉक्टर को दिखा के तो अभी आएंगे थोड़ी देर में। मुझे बर्तन धोने तो गाइज अभी हम निकल चुके हैं मम्मा को चेक करवाने। गाइस हम अभी फ्री हुए, मम्मा को दिखा के गाइज हम अभी घर पहुंचे हैं। मैं थक गई हूँ, पता नहीं मेरे को सुबह से कुछ ना अजीब सा हो रहा है, नींद सी चढ़ी हुई है। हेलो गाइज, तो यार आने के बाद ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि अर्शी की तबीयत हो गई थी ख़राब, उसको कुछ मन ख़राब हो रहा था। हमने डिनर किया तो अभी टाइम हो रहा है 10:45। एक्शन में था कि जब आप जो ड्रेस लेते हो, नहीं अगर खरीदते हो तो साथ साथ में बता दिया अगर उसका प्राइस और कहाँ से ली है तो। सो गाइज ये वो ड्रेस थी जो मैंने बर्थडे वाले दिन पहनी थी, आप देख सकते हो ये एक लॉन्ग वन पीस था, ठीक है, मुझे पूरा नीचे तक ही था, ठीक है, ये बहुत प्यारा पीस मेरे को लगा। ये मैंने लिया है यूगल सन से, बाई चांस ये मेरी फिटिंग का मुझे मिल गया एंड जितना मुझे चाहिए था उतनी लेंथ का था। इसका जो ओरिजिनल कॉस्ट था वो था गाइज 2300 एंड मुझे ये पड़ा है सेल पे 1350 का। तो यार अभी भारी सेल चल रही है हर जगह, ऐसे और भी कुर्तीज़ और ड्रेसेस थी जो कि बहुत अच्छी लगी मेरे को, जाके बाय कर सकते हो। मम्मा पापा जा रहे हैं, मैं कल बता दूँ, वो ट्रिप जा रहे हैं, जिनकी भैया की भी शादी हुई थी वो फैमिली मेम्बर्स तेगढ़ साहिब अमृतसर इनकी ट्रिप पे, तो मुझे और अर्शी को भी जाना था, ये भी हमें इस टाइम दुख लगा हुआ है। वो बता आज पोस्टपोन होगी, मंडे को है तो मंडे को ही इनको वापस आना है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और मैं थैंक यू करना चाहती हूँ आप सबका, आप सबने मुझे बहुत 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 ढेर सारी विशेज दी बर्थडे की, बहुत अच्छा लगा आप सबसे रिसीव करके इतना प्यार। आज का व्लॉग यहीं तक था, अभी होप आपके व्लॉग पसंद आ रहे हैं। कभी कभी यार बहुत हाई व्लॉग्स भी जाते हैं जब कोई फंक्शन होता है, कभी कभी हम लो भी फील करते हैं तो लो व्लॉग्स भी आते हैं, तो बियर विद डैट। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एंड लविंग अस, के लिए खुश रहिए, खुश रखिए, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।